आज शाम से 6 बजे से साइलेंस पीरियड शुरू हो जाएगा, तो उसमें और हमारी मॉनिटरिंग और ज़्यादा तेज़ होगी, क्योंकि वोटिंग जैसे जैसे पास आती है तो कई एक्टिविटीज़ बढ़ने की आशंका रहती है। तो सीजर हमने अभी तक करीब 19.5 करोड़ के हमने सीजर करे हैं अब की बार पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो पिछली बारी से अगर मैं कहूँ तो मेरे ख्याल 1000% के ऊपर होंगे। इसके साथ ही जो हीट वेव से निपटने के लिए जो तैयारियाँ हैं, चाहे वो शेड की व्यवस्था हो या पानी की व्यवस्था हो या बैठने की व्यवस्था हो या पंखा या कूलर की व्यवस्था हो, वो भी हमने करवाई है। हरियाणा में और फरीदाबाद में 25 तारीख के हमारे इलेक्शंस हैं, तो उसके लिए फरीदाबाद ज़िले में और फरीदाबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। तो हमारे जो वोटर्स हैं पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में करीब 24,30,000 हैं, जिसमें से 17,40,000 के करीब फरीदाबाद में है और करीब 7,00,000 पलवल में है। तो इसके साथ ही हमारे जो बूथ बने हैं टोटल 1572 और 702, 1572 फरीदाबाद में और 702 पलवल में है। बूथ्स पे सभी पे हमने सारी अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ मुहैया करवाई हैं। इसके साथ ही जो हीट वेव से निपटने के लिए जो तैयारियां हैं, चाहे वो शेड की व्यवस्था हो या पानी की व्यवस्था हो या बैठने की व्यवस्था हो या पंखा या कूलर की व्यवस्था हो, वो भी हमने करवाई है। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हमने प्रोवाइड करवाई हैं। लगभग हर एक बूथ पे हम मेडिकल फैसिलिटीज़ या एक ANM या डॉक्टर या स्टाफ नर्स वगैरह रहेंगे वहाँ पे। इसके साथ ही जो हमारे क्रिटिकल बूथ हैं वो करीब 140 हैं, 58 फरीदाबाद में और 82 पलवल में हैं। साथ ही ये भी मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो पोलिंग पार्टीज़ हैं उन सभी की ट्रेनिंग हो चुकी है। ARO वाइज जो 9 असेंबली सेगमेंट बनते हैं, तो असेंबली सेगमेंट वाइज हमारी सभी की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। तो टोटल जो कार्यरत एम्प्लॉयज़ हैं वो अगर मैं बताना चाहूँ तो 17,000 के करीब हमारे एम्प्लॉयज़ फरीदाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगेंगे, और जो फरीदाबाद ज़िले में हैं वो करीब 8,500 हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के एम्प्लॉयज़ और 3,500 के करीब पुलिस के एम्प्लॉयज़ जो पोलिंग बूथ्स पे रहेंगे। उसके अलावा ARO या फिर RO या DEO के ऑफिस में या फिर उनके स्टाफ के मेंबर्स अलग रहेंगे। तो साथ ही जो हमारे सेक्टर सुपरवाइजर्स रहेंगे, 174 सेक्टर सुपरवाइजर्स हैं, 106 हमारे फरीदाबाद के हैं और करीब 68 हमारे पलवल में हैं। तो सेक्टर सुपरवाइजर्स के पास में 14 से लेकर 17 बूथ के करीब ऑन एन एवरेज रहेंगे, तो वो उन्हीं बूथ्स पे रेगुलरली जाएंगे, सभी को मॉनिटर करेंगे वहाँ पे बूथ पे क्या क्या चल रहा है। तो लोकेशन उनके पास लगभग 4 से 5 लोकेशन एक सेक्टर सुपरवाइज़र के पास होंगी। साथ ही जो हमारे सेक्टर सुपरवाइजर्स के अलावा बाकी टीम्स हमारी हैं, चाहे जोनल मजिस्ट्रेट हो गए, सेक्टर सुपरवाइज़र के ऊपर हमने जोनल मजिस्ट्रेट लगाए हैं, तो वो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2-2 हमने जोनल मजिस्ट्रेट लगाए हैं। साथ ही पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी अलग रहेगी, एक क्राइम से उसमें इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर अलग से हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो रहेंगे। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ACP और कंसर्न अपने एरिया में DCPs रहेंगे। तो ये जो हमारी टीम्स हैं इवेंचुअली रिपोर्ट करेंगी फिर कंसर्न ARO को और फिर RO या DEO को। तो हमने माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी लगाए हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर्स सारे के सारे जो क्रिटिकल हमारे जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर लगाए हैं। साथ ही जो जहाँ पे संख्या ज़्यादा है पोलिंग बूथ की, तो वहाँ पे भी हमने माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए हैं। तो इसके साथ मैं बाकी टीम्स का भी मेंशन करना चाहूँगा, जो हमारी FST और SST टीम्स हैं तो वो कार्यरत हैं। तो अभी जो साइलेंस पीरियड हमारा शुरू होगा 48 घंटे से, तो आज शाम से 6 बजे से, तो 48 घंटे फ्रॉम द क्लोज ऑफ पोल देखते हैं हम, तो 25 को शाम को 6 बजे अगर क्लोज़ हो रहा है पोल, तो 48 घंटे उससे पीछे चलते हैं। तो आज शाम से 6 बजे से साइलेंस पीरियड शुरू हो जाएगा, तो उसमें और हमारी मॉनिटरिंग और ज़्यादा तेज़ होगी, क्योंकि वोटिंग जैसे जैसे पास आती है तो कई एक्टिविटीज़ बढ़ने की आशंका रहती है, तो हमारी मॉनिटरिंग उसमें भी पूरी रहेगी और बल्कि बढ़ के रहेगी। तो सीजर की अगर मैं बात करूँ तो सीजर हमने अभी तक करीब 19.5 करोड़ के हमने सीजर करे हैं अब की बार पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो पिछली बारी से अगर मैं कहूँ तो मेरे ख्याल 1000% के ऊपर होंगे वो। तो इसमें जो लिकर है, लिकर भी सीजर हमने करी है, करीब 60,000 लीटर हमने लिकर सीज करी है, कैश और प्रीशियस मेटल या बाकी चीज़ें भी हमने सीज करी हैं, तो हमारी टीम्स वो भी कार्यरत हैं। साथ ही
हर एक बूथ पे, मैं बताना चाहूँगा कि हर एक बूथ पे वेबकास्टिंग रहेगी, तो वेबकास्टिंग की फीड एआरओ के पास भी आएगी, मेरे पास भी आएगी और इलेक्शन कमीशन या सीईओ सर के पास भी जाएगी। तो उसकी मॉनिटरिंग पोलिंग बूथ के अंदर जो कोई भी चीज़ हो रही है तो उसकी मॉनिटरिंग पूरी रहेगी। और साथ ही वीडियोग्राफी भी हमने करवाई है, जहाँ जहाँ पे हमारे क्रिटिकल स्टेशन है वहाँ पे हमने वीडियोग्राफर एडिशनल दिए हैं, वो ताकि पोलिंग बूथ के बाहर की वीडियोग्राफी वो करें वहाँ पे। इसके साथ जो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट हैं या बाकी अरेंजमेंट हैं उनके मुआयना लेने के लिए हमने फ्लैग मार्चेस भी करे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एआरओ, एसीपी या डीसीपी। और पर्सनली मैंने सीपी साहब के साथ में मिलके पूरे ज़िले का, जिसमें सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी कवर होती है, उन सभी का हमने फ्लैग मार्च करा है, जिसमें हमने जो हमारी तैयारियां हैं, चाहे पोलिंग बूथ के रिलेटेड हों या फिर सिक्योरिटी के रिलेटेड हों, वो सारी, उन सभी का मुआयना लिया है और हमारी तैयारियां पूर्ण है उस एस्पेक्ट में।